हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वायनेट हेल्थ। दोस्तों, आपके साथ भी कभी ना कभी ऐसा जरूर हुआ होगा जब आप अपनी कोई मनपसंद चीज खा रहे हो और उसमें नमक कम हो जाए तो उस चीज का सारा टेस्ट खत्म हो जाता है। खाने में नमक काफी अहम भूमिका निभाता है। नमक एक ऐसी चीज है जो खाने के सभी फ्लेवर्स को बढ़ाकर रखती है। नमक सोडियम का सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है। खाने में टेस्ट लाने के साथ ही नमक में सोडियम भी पाया जाता है। सोडियम शरीर से ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम को नियंत्रित करने में मदद करता है। इसके अलावा सोडियम मसल्स और नर्व्स फंक्शन में भी अहम भूमिका निभाता है। लेकिन जिस प्रकार किसी भी चीज का अत्यधिक मात्रा में सेवन करना, यानी कि ज्यादा सेवन करने से हमें नुकसान होता है, उसी प्रकार सोडियम की अधिक मात्रा से भी शरीर को नुकसान पहुंच सकता है। अत्यधिक मात्रा में सोडियम का सेवन करने से यूरिन में कैल्शियम की मात्रा काफी हद तक बढ़ जाती है, जिससे आपको किडनी से संबंधित समस्याएं होने लगती हैं। इसके अलावा शरीर में सोडियम की मात्रा अधिक होने से ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा भी बढ़ने लगता है। ऑस्टियोपोरोसिस हड्डी का एक रोग है जिससे फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है। शरीर में सोडियम की मात्रा कम करने से ब्लड प्रेशर और हृदय संबंधी समस्याएं हमें होने लगती हैं। शरीर में सोडियम को कम करने का सबसे अच्छा उपाय ये है कि आप हाई सोडियम युक्त चीजों का सेवन कम से कम करें और इनकी बजाय आप ऐसी चीजें खाएं जिसमें सोडियम की मात्रा काफी कम होती हो। साथ ही ये चीजें सेहत के लिए काफी फायदेमंद साबित होती हैं। आइए जानते हैं इन चीजों के बारे में। नंबर एक, सेब। दोस्तों, फलों में स्वाभाविक रूप से सोडियम की मात्रा कम होती है और पोटेशियम ज्यादा पाया जाता है। सेब में सोडियम की मात्रा कम पाई जाती है। सेब में फैट कम होता है और ये विटामिन सी और फाइबर का अच्छा सोर्स होता है। सेब और अन्य फलों में पाए जाने वाले विटामिन, मैग्नीशियम, प्रोटीन हमारे हार्ट के लिए काफी फायदेमंद साबित होते हैं। नंबर दो, खीरा। दोस्तों, खीरा भी सेहत के लिए काफी हेल्दी माना जाता है क्योंकि इसमें कैल्शियम, सोडियम और फैट ना के बराबर होता है। एक कप खीरे में 3 ग्राम सोडियम होता है, जिसके चलते आप इसका दिल खोलकर सेवन कर सकते हैं। खीरे में पानी का लेवल काफी हाई होता है, जिसके कारण ये शरीर को डिहाइड्रेट नहीं होने देता है। नंबर तीन, बादाम। दोस्तों, बादाम को एक हेल्दी स्नैक्स माना जाता है। 100 ग्राम बादाम में 1 मिलीग्राम सोडियम पाया जाता है। बादाम में कई सारे पोषक तत्व और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। बादाम में विटामिन ई, मैग्नीशियम, प्रोटीन, जिंक आदि पाया जाता है। बादाम शरीर में ब्लड शुगर लेवल, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। बादाम खाने से भूख भी काफी हद तक कम लगती है, जिसके चलते आपका वजन भी नहीं बढ़ पाता है, तो इसलिए आप बादाम का सेवन भी जरूर करें। नंबर चार, नींबू का जूस और हर्ब्स। दोस्तों, खाने में नमक की बजाय नींबू का जूस और हर्ब्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके चलते आप सोडियम की मात्रा को भी कम कर सकते हैं। इसके साथ ही हाई सोडियम खाद्य पदार्थों जैसे कि अनार, पापड़, नमकीन बिस्किट, नमक युक्त मक्खन, चीज आदि चीजों का सेवन करने से बचें। खान पान में बदलाव करने के साथ ही रोजाना एक्सरसाइज भी जरूर करें, जिससे कि आप हेल्दी रहेंगे और बीमारियों से दूर रहेंगे। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ मेरी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलूंगी एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।